नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डीबीएमएस पर। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने समझा है कि अनरिपीटेबल रीड क्या प्रॉब्लम है। ये उसी का एक एक्सटेंशन या उसी का एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। एक और प्रॉब्लम दोस्तों है जिसको बोलते हैं फैंटम रीड प्रॉब्लम। तो आइए इस वीडियो में समझेंगे फैंटम रीड प्रॉब्लम क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा है, और देख के आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इट इज़ अ फैंटम रीड प्रॉब्लम। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फैंटम रीड का। देखिए नाम बड़ा स्मार्ट है, फैंटम रीड। तो फैंटम वर्ड कहाँ से आया उसका भी डिस्कशन करूंगा, बट देखिए आइडिया क्या है ये। चलिए फिर दोबारा एक छोटी सी स्टोरी एक बार आपको सुनाता हूँ ताकि उस प्रॉब्लम से आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें। तो लास्ट वीडियो वाली स्टोरी तो आपको पता ही है कि बच्चे को पता था कि वो घर में अकेला है, लेकिन उसको बाद में पता लगा कि नहीं, घर में हाउ भी होता है ना, भूत भी होता है। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसके जो मम्मी पापा थे, उसके जो पेरेंट्स, उन्होंने उसको समझाया नहीं बेटा भूत वूत कुछ नहीं होता, और तो बिल्कुल खुश रहा कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे ने कहा ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साल निकल गए और कुछ साल के बाद मान लीजिए बच्चा था 15-16 साल का, और फिर एक सिनेरियो ऐसा हुआ उसके मम्मी पापा को, पेरेंट्स को कुछ समय के लिए बाहर जाना था। अब बच्चा डरा हुआ तो था और मन में विचार दोबारा है कि चलो मैगी बनाते हैं। तो बच्चा किचन में गया, बच्चे ने वही जो 5 साल पहले गया था वही दोबारा किया, मैगी बनाने का पूरा सेटअप रेडी किया, पैन को कवर किया, और रूम में आके कार्टून देखने लगा। कार्टून देख तो रहा था, लेकिन कार्टून देखने में बहुत ज़्यादा मन उसका नहीं लग रहा था, उसको लग रहा था पता नहीं किचन में क्या हो रहा होगा। बट कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद वो डरता डरता दोबारा किचन में आया। ना उस दिन हवा चल रही थी, ना पेड़ हिल रहे थे, सब कुछ ओके था। दोबारा किचन में आके क्या देखता है, पैन है, पैन के अंदर मैगी है। देखिए किचन में कुछ भी नहीं है, ना पैन है, ना मैगी है, पूरी की पूरी किचन खाली है। आप बताएंगे क्या हुआ है? कहानी यहीं ख़त्म, कहानी ही खत्म। अब बच्चा डरा, लेकिन थोड़ा सा कम डरा, क्योंकि उसको समझ गया कि भैया आज भूत वूत नहीं है, आज तो चोरी हो गई है, कोई किचन में आया और सारा का सारा सामान उठा के ले गया है ना। तो कहानी यही खत्म। लेकिन दोबारा समझिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि ये क्या फालतू की स्टोरीज हैं। बस ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकें। अब देखिए उस दिन भूत नहीं था, सिस्टम में क्या हुआ, चोरी हो गया और वहाँ पे कुछ था ही नहीं। ठीक यही बात देखिए एक बार आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, एक ट्रांजेक्शन आया और उसने किसी वैल्यू को रीड किया, कर सकता है। तो मान लीजिए दोबारा x की वैल्यू को इमेजिन कर लेते हैं 10, जो DBMS के अंदर है, डेटाबेस के अंदर है, और उसने रीड किया 10। तो मान लीजिए लोकल बफर के अंदर भी x की वैल्यू क्या गई, 10। उसके बाद ट्रांजेक्शन T2 आया और उसने कहा भाई हमें भी रीड करना, आप भी रीड करो, लोकल बफर में 10 वैल्यू थी, वो किसने भी रीड किया, T2 ने। और देखिए फिर ट्रांजेक्शन T1 बोल रहा है कि डिलीट x। तो एक बार समझिएगा, लास्ट वीडियो में जब हमने समझा था अनरिपीटेबल रीड, वहां पे हमने स्कीमा चेंज किया था या इंस्टेंस, मतलब वैल्यू चेंज की थी कि स्ट्रक्चर, वैल्यू चेंज की थी, 10 को उठा के 15 कर दिया था। बट इस बार ये वैल्यू नहीं चेंज करना चाह रहा, ये क्या कह रहा है कि भाई हम तो एक्स को डिलीट ही करेंगे, सिस्टम से हटाना है। क्या कोई ट्रांजेक्शन सिस्टम में स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकता है? भाई बिल्कुल कर सकता है, ट्रांजेक्शन को पूरा राइट है डेटाबेस में कोई भी चेंज करने से, चाहे वैल्यू चेंज करनी हो, वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, वेरिएबल डिलीट करना हो। तो इस ट्रांजेक्शन T1 भाई साहब ने क्या किया, एक्स को डिलीट कर दिया, ये लीजिए फिलहाल, ऑल द लोकल बफर से डिलीट होगा बट एक्स डिलीटेड है। अब ट्रांजेक्शन T2 थोड़ी देर बाद दोबारा आता है और कहता है मुझे सेम वेरिएबल रीड करना है। अब बताएंगे सिस्टम क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा, है ना? तो सिस्टम ये नहीं बोलेगा वैल्यू 11 हो गया, सिस्टम बोलेगा वेरिएबल डजंट एग्जिस्ट, बिकॉज अब तो एक्स नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है। अब ये एक प्रॉब्लम है, और कौन डर जाएगा, T2, बिकॉज 10 मिनट पहले वही मैगी बनाने के लिए रख के गया था, और 10 मिनट बाद आपको देख रहे हो तो आप ये नहीं करो मैगी राजमा चावल बन गया, आप बोल रहे हो कि भाई वहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना? बिकॉज आपने वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं की, आपने वेरिएबल ही डिलीट कर दिया। और T2 को फिर अब तक क्या बताया गया कि T2 इज द ओनली वन एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम बिकॉज ऑफ आइसोलेशन प्रॉपर्टी। हर ट्रांजेक्शन ये मान के चल रहा है मैं अकेला हूँ, बिकॉज किसी के होने या ना होने से मेरे बिहेवियर पर, मेरे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट देखिए यहाँ फर्क पड़ गया, मैंने एक वैल्यू को रीड किया 10, मेरे पास अधिकार है कि मैं उसको दोबारा रीड करूं, बट मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज इन बिटवीन दिस टाइम कोई दूसरा ट्रांजेक्शन आकर उस वेरिएबल को डिलीट करके जा चुका है ना? तो ये एक समस्या है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों,
फैंटम रीड। दोबारा समझिएगा, फैंटम रीड क्यों बोल रहे हैं या फैंटम रीड क्या है? जब आप किसी वेरिएबल को रीड करो लेकिन दोबारा क्यों नहीं रीड कर पाओ, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो, वेरिएबल एग्जिस्ट ही ना करता हो, किसी और ने उसको डिलीट कर दिया। अनरिपीटेबल रीड में याद करना हम क्यों रीड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वेरिएबल तो है बट उसकी वैल्यू चेंज कर दी गई है ना। तो मेरे ख्याल से आसान सिनेरियो था, आपको समझ आया होगा, कहानी से रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी याद रख पाएंगे। दैट वॉज फैंटम रीड प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से दोस्तों तीन प्रॉब्लम अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, डर्टी रीड प्रॉब्लम, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम एंड फैंटम रीड प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम भी और, बस उसको बोलते हैं राइट राइट कन्फ्लिक्ट, है ना। तो एक बार समझते हैं कि कन्फ्लिक्टिंग प्रॉब्लम्स क्या होते हैं अगर दो लोग एक साथ राइट करने की कोशिश करें, और फिर फाइनली हम जाकर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को जो है हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए थोड़ा समय और बहुत जल्दी हासिल होता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।